नमस्कार साथियों, साथियों इस समय आप अपनी स्क्रीन पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी एक पत्र देख रहे हैं जो कि प्रदेश के समस्त कलेक्टर के लिए जारी किया गया है। पत्र का विषय यदि हम देखें, कक्षा 1 से 8 तक शासकीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम के अंतर्गत इंटरेक्टिव पैनल क्रय करने के संदर्भ में, यानी कि अब कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शासकीय विद्यालयों में इंटरेक्टिव पैनल यानी कि स्मार्ट बोर्ड क्रय किए जाएंगे। ये एक काफी बड़ा निर्णय है राज्य शिक्षा केंद्र का, यानी कि अब 1 से 8 तक के शासकीय विद्यालयों में भी स्मार्ट बोर्ड खरीदे जाएंगे। आइए पत्र का बारीकी से अवलोकन करते हैं। संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहें जिसके माध्यम से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ICT सुविधा की सामग्री क्रय करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी करते हुए लेख किया गया था कि स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए शीघ्र ही विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। आप देख सकते हैं, यदि इसका बिंदु क्रमांक 1 हम देखें तो सत्र 2022-23 में 153 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना हेतु निर्देश जारी किए गए थे। जिन जिलों में स्मार्ट क्लास के अंतर्गत क्रय आदेश जारी कर दिए गए हैं अथवा सामग्री क्रय कर ली गई है, उन स्थानों को छोड़कर शेष स्मार्ट क्लास के लिए क्रय कार्रवाई स्थगित की जाती है। यानी कि जिन 153 विद्यालयों के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए थे उनकी जो कार्रवाई है उसे स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अगले क्रम में यदि इसका हम बिंदु क्रमांक 2 देखें, सत्र 2023-24 में समग्र शिक्षा अभियान की कार्य योजना में 2050 विद्यालयों में 2-2 एवं 207 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 1-1 स्मार्ट क्लास रूम, इस तरह कुल 4,307 स्मार्ट क्लास रूम स्वीकृत किए गए हैं। जिलेवार सालावार सूची पूर्व में ईमेल के माध्यम से प्रेषित की गई है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 14/7/2023 के निर्णय अनुसार लघु उद्योग नियम के निगम के माध्यम से सत्र 2022-23 के शेष स्मार्ट क्लास एवं सत्र 23-24 में स्वीकृत स्मार्ट क्लास रूम में इंटरेक्टिव पैनल की स्थापना की जानी है। यानी कि सत्र 23-24 में जिन विद्यालयों का चयन स्मार्ट क्लास के लिए किया गया है उनमें स्मार्ट बोर्ड की स्थापना की जाएगी। और पत्र में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है ऐसे 2050 विद्यालयों का चयन किया गया है। लघु उद्योग निगम के द्वारा इंटरेक्टिव पैनल की दर राशि 1,07,155 रुपये निर्धारित की गई है। इस दर में GST एवं लघु उद्योग निगम के अन्य निर्धारित शुल्क प्रत्यक्ष दिए होंगे। भारत सरकार द्वारा प्रति स्मार्ट क्लास हेतु राशि 1,20,000 रुपये निर्धारित की गई है। इंटरेक्टिव पैनल के क्रय उपरांत राशि रुपये 1,20,000 के अतिरिक्त शेष राशि का भुगतान MMER मद से देय होगा। इंटरेक्टिव पैनल के निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशंस एवं लघु उद्योग निगम की अनुमोदित दर तथा क्रय आदेश जारी करने हेतु सुझावात्मक प्रक्रिया पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त अनुसार इंटरेक्टिव पैनल के क्रय संबंधी कार्रवाई कलेक्टर के माध्यम से करना है। सामग्री क्रय करने के बाद तकनीकी एवं उसका जो भौतिक सत्यापन है वह विकास खंड पर गठित तकनीकी समिति के माध्यम से किया जाएगा। उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए सामग्री क्रय की कार्रवाई दिनांक 31 अगस्त 2023 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। तो इस तरीके से राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। लगभग 2050 विद्यालयों में अब इंटरेक्टिव पैनल यानी कि स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे। साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।